इस यहाँ पे यो मैंने वीडियो 1 डाली थी यो आपकी रेशन प्रोपोर्शन की, जेके बहुत जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो वहाँ पे मैंने आपको गलती से नन ऑफ दी से ऑप्शन टिक करवा दिया था। जब हमने इसको सिंपलीफाई किया था, जब 6, 9 और 15 को काटा तो हमारा 2, 3 और 5 बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे 2, 3, 5, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी, मैंने गलती से इस ऑप्शन को नहीं देखा था, इसलिए मैंने नन ऑफ दिस टिक कर दिया था, ठीक है। और ये हमारी स्टूडेंट है यहाँ पे मोनिका ने, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताया था कि सब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन देखना एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन पे जब मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, मैंने ऑप्शन गलत कर दिया, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये क्वेश्चन ठीक करवाना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जेके एसएसबी डा 614। जैसा कि हमने जेके बोस जूनियर असिस्टेंट का हमने बैच शुरू कर दिया ऑनलाइन कोर्स, तो उसके लिए ये पार्ट सेकंड लेके आ रहा हूँ मैं रेशन प्रोपोर्शन का। वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट का रिस्पांस काफी अच्छा आया था, तो इसलिए पार्ट सेकंड लेके आ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो वीडियो को एंड तक देखना। आज हम कोई 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो भी इम्पोर्टेंट होंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं आज के अपने वीडियो का। तो जैसा कि ये जो क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया था रेशो का, कि ए रेशो बी रेशो सी की जो वैल्यू है वो दी हुई है 2:3:4। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी अपॉन सी रेशो बी प्लस सी अपॉन ए। जब भी ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो यहाँ पे सीधे सीधे रेशो की वैल्यू भी पुट करनी थी। जैसे ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो वही अब हम यहाँ पे पुट करते चलेंगे एक-एक बार, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, ए प्लस बी अपॉन सी और बी प्लस सी अपॉन ए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दूंगा। ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे सिंपलीफाई 2 कर दो। बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3, तो 3 पुट कर दो। अपॉन में सी है, तो सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया, ठीक है। वैसा ही आपने सेकंड में भी यही पुट करना है कि बी की वैल्यू कितनी दी आपको, 3, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2। तो यहां से ये सिंपलीफाई हो जाएगा, ये 3 2 कितना था, 5/4 रेशो 4+3 7/2, ठीक है। अब यहां आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है आगे कि आगे क्या करना है, ठीक है। आगे कुछ नहीं करना, आगे खाली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है इसकी इधर और इसकी इधर, ठीक है। जब ये इधर वैल्यू जाएगी तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, 7 4 जा कितना होता है, 28। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी वैल्यू इधर चली जाएगी और ये नीचे वाला वैल्यू है ये इधर आ जाएगा, साथ के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है, सिंपल है ये। फिर आगे मैंने आपको बोला कि ये रेशियो होती है, ये सिंपलीफाई फॉर्म में लिखनी होती है, तो सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं ना, ये कट हो जाते हैं आगे, ये 2 से कट कर लेते हैं, 2 5 जा 10 और 2 14 जा 28। आगे ये फर्दर कट नहीं होते हैं, तो जो भी ऑप्शन में आपको 5:14 मिला वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू भी पुट कर लेती है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था और आज फिर से हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन क्या लिखा आपके लिए, कि डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन माइक एंड जॉन। माइक और जॉन के बीच में मुझे ₹60 ना डिवाइड करना है, ठीक है। माइक और जॉन के बीच में मुझे टोटल कितना रुपीस बांटना है, ₹60 बांटना है, ठीक है। और ये माइक और जॉन की जो रेशियो वो कितनी दी है, 1:2। मतलब माइक और जॉन की जो रेशियो वो कितनी है, 1:2। अब यहाँ पे करना क्या होता है, कल ही मैंने आपको बताया था यूनिटरी मेथड लगाना है हमने। यूनिटरी मेथड हमारा ये होता है कि अगर ये वैल्यू टोटल है, ठीक है, अगर ये माइक और जॉन को मिलाकर ₹60 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो का भी टोटल ही लेना पड़ेगा। मतलब हमने रेशियो का भी टोटल लेना है। जैसे 2+1 कितना होता है, 3 यूनिट, ठीक है। ये यूनिट जो मैं लगाता हूँ, इससे घबराना नहीं है आपने। आप यहाँ पे 3 बुक्स भी ले सकते हैं, 3 पेन भी ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, माइक और जॉन के बीच में टोटल ₹60 डिवाइड करना है, और कितनी रेशो में, 1:2, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, 2 और 1 कितना हो गया, 3 यूनिट, क्योंकि ये ₹60 है, ये दोनों को मिला के है, ठीक है। तो दोनों को मिला के रेशो कितनी आ रही है, 3 यूनिट है हमारी, 3 यूनिट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे कि इनका ये टोटल पैसा वो कितना है,
60 रुपया, ठीक है, मतलब 3 यूनिट में 60 रुपया डिवाइड हो रहा है, तो एक यूनिट में कितना होगा? यूनिटरी मेथड बोलता है कि एक की वैल्यू निकाल दो, खाली ये जो 3 इधर है ये इधर आके इसके आधे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60/3 विच इज इक्वल टू 20, विच इज इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पे ये 1 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ रही है 20, ठीक है, मतलब एक आदमी को कितना पैसा मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है। तो मुझे निकालना क्या है, माइक का पैसा निकालना और जॉन का पैसा निकालना, कि माइक को कितना पैसा मिला होगा और जॉन को कितना पैसा मिला होगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूं माइक का, ठीक है, माइक। अब मुझे पता है कि एक यूनिट क्या डिनोट कर रहा है, रुपीज 20, एक यूनिट डिनोट कर रहा है 20 रुपीज, तो यहां पर माइक के पास कितने यूनिट है, माइक के पास एक ही यूनिट है, तो इट मींस माइक को कितना पैसा मिला होगा, एक यूनिट का कितना 20, तो माइक को मिला होगा रुपीज 20, ठीक है, और यहां पे जॉन को कितना मिला होगा। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 20, हमेशा हमने यूनिटरी मेथड में 1 की वैल्यू लेनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जॉन के पास कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, एक यूनिट डिनोट कर रहा है 20 पैसे, एक यूनिट के पास 20 रुपए है, तो 2 यूनिट के पास कितना हो जाएगा, मतलब इसका 20 × 2 कर दो, एक यूनिट का 20 है तो 2 यूनिट का कितना होगा, 40 हो जाएगा, इट मींस जॉन को कितना पैसा मिला होगा, 40 रुपए मिले होंगे, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसका एक और मेथड है। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, सीधे डायरेक्ट अप्रोच है, जैसे कि आपने माइक का हिस्सा निकालना, ठीक है, अब यहां पे देखो टोटल रेशियो कितनी है, 2+1 3 रेशियो टोटल है, टोटल जो रेशियो वो कितनी है, 3 है, ठीक है। अब यहां पे देखो माइक का हिस्सा कितना है, जो माइक है ना 3 में से 1 हिस्सा उसका, मतलब 3 में से 1 हिस्सा उसका माइक का है, तो कितने पैसे बांटने हैं, 60 रुपए बांटने हैं, ठीक है, टोटल पैसे कितने हैं, 60 रुपए, तो यहाँ पे माइक को कितना मिला होगा, 20 रुपए, मतलब सेम हमारा यही आंसर आ रहा है। अगर मुझे जॉन का निकालना है तो जॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल रेशियो कितनी है, 3 है, और 3 में से माइक का हिस्सा कितना, सॉरी जॉन का हिस्सा कितना है, जॉन का हिस्सा जो वो है 2, ठीक है, जॉन का हिस्सा कितना है, 2, टोटल पैसे कितने हैं, 60 रुपए, तो यहां से देख लेते हैं जॉन को कितने मिलेंगे, 3 × 3 = 20 से 60, ठीक है, और ये 20 कितना होता है, 40, मतलब जॉन को कितना मिला होगा, 40। ये दो मेथड है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो को पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना कैसे करना है, ठीक है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 98, मतलब मेरे पास कुछ ऐसे 3 नंबर होंगे जिनको जोड़ के कितना आना चाहिए, 98 आना चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, एक टर्म दिया है, इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड नंबर इज 2:3। अब ये पहला और दूसरा नंबर, मतलब पहला नंबर मैं ए ले लेता हूं और दूसरा नंबर मैं बी ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे ये बोलता है कि पहला और दूसरा नंबर की जो रेशियो है 2:3, मतलब ए रेशियो बी कितना है, 2:3। अगर मैं पहला नंबर ए ले लेता हूं, दूसरा नंबर मैं बी ले लेता हूं, तो उनकी रेशियो कितनी दी है, 2:3, तो वही मैंने यहां पे लिख दिया। एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड इज 5:8, और ये सेकंड टू थर्ड है, टोटल मेरे पास 3 नंबर होंगे, ठीक है, और सेकंड टू जो थर्ड है, मतलब बी भी है हमारे पास, तो यहां पे सी ले लेते हैं ना, थर्ड नंबर सी हो गया। अब यहां पे जो दी हुई है रेशियो सेकंड और थर्ड की, ठीक है, मतलब आपको यहां पे सीधे-सीधे समझा देता हूं कि पहला और दूसरा ए रेशियो बी, दूसरा और तीसरा बी रेशियो सी, ठीक है, यह है सेकंड और थर्ड नंबर, इनकी जो रेशियो दी है वो 5:8 दी हुई है, 5:8 दी हुई है, ठीक है। और मुझे बताना कि सेकंड नंबर क्या होगा, ठीक है, पहले आपके पास ए होगा, बी होगा, सी होगा, तभी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो सेकंड नंबर, ऐसे यहां से सेकंड नंबर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहां पे देखना ये पहले वाला क्वेश्चन बना कि नहीं बना, ए रेशो बी इतना दिया है, बी रेशो सी इतना दिया है, तो यहां से मैं ए रेशो बी रेशो सी निकाल सकता हूं ना, तो डायरेक्ट अप्रोच है। यहां पे मैंने आपको बताया था कि ए रेशो बी कितना दिया आपको, 2:3, और बी रेशो सी कितना दिया हुआ, 5:8। यहां से अगर मुझे ए रेशो बी रेशो सी निकालना है ना,
तो मैंने आपको पहले वीडियो में देखा बताया हुआ कि कैसे करना है, तो वहां से सीधे आ जाओ यहाँ पे क्रॉस एन मेथड। 5 2 जा कितना होता है 10, फिर बी निकालने के लिए इधर चले जाओ 5 3 जा 15, सी निकालने के लिए इनकी और इनकी मल्टीप्लाई कर दो 8 3 जा कितना होता है 24, ठीक है। अब आ जाएगा ये आपके पास पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 15 और तीसरा नंबर कितना 24 आ गया, ठीक है। अब यहां से मुझे निकालना क्या, द सेकंड नंबर इज, ठीक है, मतलब मुझे ये 15 की वैल्यू निकालनी है। सेकंड नंबर कौन सा, बी, तो 15 की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। दो मेथड से करवा दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखना यूनिटरी, पहला मेथड है यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अगर मैं तीनों को जोड़ू ना तो मेरा 98 बनना चाहिए, तीनों को जोड़ के 98 है, मतलब ये जो सम दिया ये तीनों को जोड़ के दिया होगा 98, ठीक है ना। वही अब करेंगे हम यहाँ पे कि रेशियो में भी हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, एड अप कर लेंगे, ठीक है, और वो किसके बराबर आ जाएगा, 98 के बराबर आ जाएगा। अच्छा ये 10 और 15 कितने होते हैं 25, 25 प्लस 24 कितने होते हैं 49, ठीक है। तो ये 49 यूनिट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, यहाँ पे रेशियो को जोड़ के 49 आया और क्वेश्चन में कितना दिया इसकी वैल्यू 98, इनकी जो वैल्यू वो कितनी दी हुई है 98, तो यहाँ से 1 यूनिट की रिप्रेजेंट कितना हो जाएगा 98 अपॉन 49, ठीक है ना, 98 अपॉन 49। अब यहाँ से देख लेना इसको और इसको कट करेंगे तो 49 2 जा कितना होता है 98, 49 2 जा कितना होता है 98। अब यहाँ से देख लेते हैं, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 2, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरी 2 आई है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 2, तो मुझे निकालने किसके, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर के पास कितने यूनिट है 15 यूनिट है, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 के साथ, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो जब एक यूनिट निकल गया तो जो हमसे पूछा हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट के साथ, वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे 15 यूनिट कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा 30, मतलब सेकंड जो यूनिट है उसके पास कितना नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा 30। वैसा ही आप फर्स्ट नंबर निकाल सकते हो 10, ठीक है, 10 की वैल्यू, और थर्ड नंबर भी 24 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको एक और मेथड से कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा, यहां तक 10 15 और 24 ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे करना क्या हमने, आगे सिंपल है, ठीक है, सेकंड नंबर निकालना है, 15 की वैल्यू निकालनी है, तो रेशियो कितना है, टोटल कितना है रेशियो का, ठीक है, टोटल जो सेकंड नंबर निकालना ना हमने, सेकंड नंबर जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था माइक और जॉन के लिए, तो यहाँ पे टोटल जो है रेशियो का सम है वो कितना है मेरा 49 आया था नीचे, ठीक है। अब 49 में से सेकंड नंबर का हिस्सा कितना है, सेकंड नंबर का हिस्सा कितना है 15, ठीक है, और यहाँ पे कितना सम है, मतलब कितना पैसा टोटल सम दिया हो, पैसा दिया हो, वो हम यही यहाँ पे लिखेंगे, तो 98 जो टोटल वैल्यू होती है वो हम ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 49 49 49 2 98, और ये 15 दोनों कितने होते हैं सीधे सीधे 30, तो यहाँ से सीधे आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है ना। इतना टफ नहीं है, प्यार प्यार से देखो, ठीक है, वीडियो को एक दो बार देखो, ठीक है, दो बार देखो, तीन बार देखो, बट तब तक देखो जब तक आपके कंसेप्ट ना क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आप आगे और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, अब थोड़े से इसी बेस पे क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, वो भी हम कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 थे, क्या दिया हुआ, द सम ऑफ टू नंबर इज 60, मतलब दो नंबर को जोड़ के मेरा कितना आंसर आना चाहिए 60 आना चाहिए। द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:7, और ये दो नंबर की जो रेशियो है वो कितनी है 5:7 में बांटी गई है, तो मुझे निकालना फाइंड द सेकंड नंबर, मतलब ये निकालना 7 की वैल्यू, 7 की वैल्यू निकाल लिया ना, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सीधे सीधे सेकंड नंबर निकालना है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल रेशियो कितनी हो जाएगी, 7 और 5 कितने होते हैं 12, टोटल रेशियो कितनी आ गई, रेशियो का सम कितना आ गया टोटल 12, और 12 में से हमने कौन सा हिस्सा निकालना है सेकंड नंबर, मतलब 7 वाला निकालना है, तो 7 ऊपर लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना है 60 है, ठीक है, ये कट रहा था 12 1 12 12 5 से 60, ठीक है, और यहाँ पे 7 5 कितना 35, तो यहाँ पे इजिली आपका क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो यहाँ पे एक मेथड हो रहा है 5:7, ठीक है, यहाँ पे देखना ये जो सम है ये दोनों को जोड़ के आ रहा है, ठीक है, दोनों को जोड़ के, तो मैं दोनों को रेशियो को जोड़ के देख लेता हूँ मेरा कितना आंसर आ रहा है, 7 5 कितने होते हैं 12 यूनिट,
12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 60, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा कितना, ये सीधा सीधा कट है तो 12 एक 12, 12 5 से 60, ठीक है, मतलब एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5। अगर एक की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है ना, तो अपन निकाल ली कितनी है, सेकंड सेकंड नंबर मतलब 7 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों की जगह हम 7 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। इधर 7 यूनिट ये होगा, वो किसके बराबर आएगा, 35 के बराबर आएगा, और यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन लिया मैंने, ये मतलब एक टाइप के लगा लो, इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। टू नंबर आर इन रेशियो 8:5, दो नंबर मेरे पास है वो कितनी कितनी रेशियो उसकी, 8:5, ये पहला नंबर होगा और ये सेकेंड नंबर है, 8:5 बोलता है, एंड देयर डिफरेंस इज 27, एंड देयर डिफरेंस इज 27 नंबर, ये रेशियो है वो यही है 8:5, और बोलता है इन्हीं का जो डिफरेंस है वो कितना है, 27 आना चाहिए। किनका किनका डिफरेंस, इन्हीं रेशियो का जो डिफरेंस है ना वो किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं इन रेशियो का डिफरेंस चेक कर लो यूनिटरी मेथड से। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ थ्री नंबर इज 98, तो जो रेशियो बनी थी उनमें एक दो तीनों को ऐड किया तो उसकी वैल्यू 98 के बराबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हुआ, चेंज हुआ, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, डिफरेंस मतलब माइनस में, ठीक है। इनका डिफरेंस 27 है तो मतलब किनका, इन रेशियो का। तो यहाँ पे देख लेते हैं 8:5 का डिफरेंस कितना है, 8 और 5 का डिफरेंस होता है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दी हुई है कि इनका 3 यूनिट आ रहा है और हमारा कितना है, क्वेश्चन में दिया 27, 3 की वैल्यू 27 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27/3, ठीक है, ये 3 से कट जाता है, 3 1 3, 3 9 से 27, 1 यूनिट की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है मेरी, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 9, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब मुझे ये बता दो, नंबर तो यही होंगे एक 8 और एक 5, ये आपने छोटे क्वेश्चन पढ़े होते हैं, यहां पे आप करते थे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 8x एंड सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 5x, ठीक है। और ये जो निकलती है ना एक यूनिट की वैल्यू, ये वही होता है जो x है, ठीक है, ये वही होता है जो x है, बट यहाँ पे हम x शो नहीं करते हैं ताकि आपको इजी अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक यूनिट रिप्रेजेंट 9 कर रहा है, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, 8 है या 5 है, सबसे बड़ा नंबर, सभी को पता है कि 8 ही बड़ा नंबर है, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालें, 1 यूनिट 9, तो यहाँ पे दोनों की साइड 8 की मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा आंसर है। ये कितना आ जाएगा, 8 यूनिट, ये 8 9 कितना होता है 72, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 72, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रखा है। अब मैं यही करूंगा डेली, जब मैं वीडियो लेके आऊंगा ना तो एंड में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया करूंगा, वो आपने आंसर मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 तो ये है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, बस अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। जो आज की वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया ना, उसी क्वेश्चन से ऐसा ये निकलेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि तीनों की वैल्यू है, चारों की वैल्यू क्या है, बस वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग ए बी सी डी, ठीक है, चार बंदे हैं उनके बीच में मैंने पैसे बांटा, कितनी रेशो में, ए का 5, बी का 2 और सी का 4 और डी का 3, ये रेशो आ गई ए बी सी डी, ठीक है। अब होता है कि सी है ना, सी इज 1000 मोर देन डी, जो सी को जो पैसा मिल रहा है ना वो क्या मिल रहा है, डी से 1000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, सी को डी से 1000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पर रेशियो में आओ, रेशियो में आ जाओ कि सी को डी से कितनी ज्यादा रेशियो मिल रही है, ठीक है ना, वो हिंट आपको दे दिया मैंने, बस वहां से एक यूनिट की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो आपको खाली बी का शेयर निकालना है, ये ऑप्शन है यहाँ पे, ए 500, बी 1500, सी 2000 और डी 1500, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दे, ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।